तो भाई लोग, क्या हालचाल आपके? सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी कैप्टन मिलर का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है उनके बर्थडे पर, एंड मेरी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। धनुष बहुत ही अच्छा एक्टर तो है ही, लेकिन वो बहुत ही अच्छा सिंगर भी है। आप उनका कोलावेरी गाना तो सुन चुके ही होंगे, एंड इस मूवी के अंदर भाई क्या लुक होगा उनका, क्या दाढ़ी एंड भाई क्या धूल मिट्टी वाले सीन्स, बिल्कुल खूंखार लग रहा धनुष। एंड कास्टिंग भी इस मूवी की काफी ज्यादा तगड़ी है। जी हाँ, धनुष के साथ इस मूवी में होंगे शिवराज कुमारन, संदीप किशन एंड प्रियंका मोहन, जो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर है। और कुछ होना हो, एक्टिंग काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है और एक्शन भी काफी तगड़ा होने वाला है। जी हाँ, आप ब्लास्ट वाला सीन देख लो, चाहे आप गन्स वाले सीन्स देख लो, ये मूवी हमको डायरेक्ट मासी एक्शन भर भर कर दिखाएगी। और इसके बीजीएम को सुनकर भी लिटरली गूज़बम्स आ गए भाई। धनुष ने सीधी जब एक कुल्हाड़ी खोप दी थी ना पीठ के अंदर, उस सीन को देख कर भी ना भाई फट गए थे लिटरली। मतलब क्या सीन दिखाया भाई, और स्टोरी का आइडिया तो नहीं लग रहा है टीजर से, क्या पता वो ट्रेलर में पता चल जाए। एंड अंग्रेज दिखाई पड़ रहे थे, शायद ये 90s के टाइम की स्टोरी होगी जब भारत आजाद नहीं होगा, शायद ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और धनुष फिर पूरी सरकार की नाक में दम कर देगा शायद आजादी के लिए, ये मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। क्या पता ट्रेलर या फिर मूवी के अंदर ही हमें सारी सच्चाई पता चले। एंड भाई साहब, इस मूवी के अंदर एक सीन था जब पूरी आर्मी धनुष के पास आ रही थी और धनुष जब ऐसे ही खड़ा था शांत अपनी बंदूक लिए, उस सीन को देखकर भी ना भाई एक अलग सी वाइब्स आ गई थी। और भाई साहब, इसके आप विजुअल्स देख लो, आप सिनेमेटोग्राफी देख लो, बैकग्राउंड्स देख लो, बिल्कुल KGF, पुष्पा इन जैसी मूवीज की याद दिलाता है। तो ये मूवी भी काफी पावरफुल होने वाली है। टीजर के अंदर एक पोस्टर था जहां पर धनुष के तीन लुक दिखाए जा रहे थे। मतलब क्या क्रिएटिविटी है भाई, धनुष कैसे कैसे भेस बदलने वाला है। एंड अगर आपने गौर से देखा होगा तो पोस्टर पर 10,000 का इनाम था। जी हाँ, उस टाइम पर 10,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, एंड ये इनाम धनुष पर लगाया गया। एंड कैप्टन मिलर भी शायद लोगों ने ही इसको नाम दिया है, ये गरीबों का मसीहा है, इसने बहुत ही बड़ा कांड कर रखा है, पूरी सरकार के ऐसा नाक में दम कर दिया है। ऐसी क्या बात है कि सरकार उसे ढूंढना चाहती है एंड उसे खत्म करना चाहती है, वो हमें मूवी में ही पता चलेगा। और अच्छी बात है भाई, ट्रेलर के अंदर सरप्राइज ही रखे ताकि थिएटर के अंदर ही कुछ अलग देखने को मिले। एंड भाई साहब, ये मूवी हिट भी होगी क्योंकि लोगों को जो चाहिए वो मिल चुका है। आजकल मासी मूवीज का दौर चला है, सालार, KGF, एंड अब इस लिस्ट में एक और मूवी का नाम शामिल हो चुका है क्योंकि मासी मूवीज के लिए हर कोई पागल है। एंड धनुष की फैन फॉलोइंग साउथ के अंदर भी है एंड नॉर्थ के अंदर भी लोग उन्हें जानते हैं, तो यहाँ पर भी ये मूवी अच्छे खासे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकती है। तो ओवरऑल कैप्टन मिलर का ट्रेलर या टीजर कह लो, मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। एंड क्या आपने इसका टीजर देखा? अगर देखा तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।